हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिना देर किए हुए मैं आज का अपना ट्यूटोरियल एक्सेल का आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे, आज मैं आपके लिए जो फंक्शन लेके आया हूँ ये होगा आपका इन्फॉर्मेशन फंक्शन। इन्हें इन्फॉर्मेशन फंक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि इनका काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके सेल में उपस्थित कंटेंट का हो सकता है, उसके सजावट का हो सकता है, या सेल के लोकेशन का हो सकता है, या एक्सेल के स्प्रेडशीट का हो सकता है। इसीलिए इन्हें बोला गया कि ये इन्फॉर्मेशन फंक्शंस होंगे। इन्फॉर्मेशन फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो हमारा होता है इज नंबर। इज नंबर फंक्शन का काम होता है ये जांच करना कि जो आप इसे वैल्यू दे रहे हो या किसी सेल का एड्रेस दे रहे हो तो उसमें मौजूद वैल्यू जो है वो नंबर है कि नहीं। तो अगर इसे वैल्यू नंबर मिलेगा तो ये जवाब में ट्रू देगा, अन्यथा जवाब में ही आपको फाल्स दे देगा। तो इस नंबर फंक्शन का काम होता है ये जांचना कि आपने जो सेल रेफरेंस दिया है या वैल्यू दिया है वो नंबर है कि नहीं। इसी ही तरीके से इस ब्लैंक होगा। इस ब्लैंक का उद्देश्य होता है ये जांचना कि जो सेल रेफरेंस दिया गया या वैल्यू दिया गया है वो एम्प्टी है कि नहीं, है तो ट्रू अन्यथा फाल्स देगा। ऐसे ही अगर आपको ये जांचना है कि हमने सेल में जो वैल्यू लिखा है वो लॉजिकल वैल्यू है, लॉजिकल माने ट्रू या फाल्स को हम लोग लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आप इसे सेल का रेफरेंस दे रहे हो और उस सेल में ट्रू या फाल्स माने लॉजिकल वैल्यू है तो ये ट्रू जवाब देगा, अन्यथा आपको फाल्स दे देगा। और इसी ही तरीके से एक फंक्शन आता है इज टेक्स्ट करके। इसका काम होता है जांचना कि जो आपने सेल का रेफरेंस दिया या आपने जो वैल्यू दिया है वो टेक्स्ट है कि नहीं, टेक्स्ट माने अल्फा न्यूमेरिक, अगर है तो ट्रू अन्यथा आपको ये फाल्स जवाब देगा। तो ये आपके कुछ फंक्शन हैं जो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन थे। अब अगला जो कैटेगरी आता है वो डेट एंड टाइम से रिलेटेड आता है। तो चूंकि ये सारे फंक्शन जो होंगे वो रिलेटेड टू डेट या टाइम होंगे इसीलिए इन्हें डेट एंड टाइम फंक्शन के कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन वाला आपको बताया हुआ है तो उसको हम लोग जांच लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका भी हम लोग प्रयोगात्मक नॉलेज लेंगे। तो मैंने एक्सेल को ओपन कर दिया है, जूम भी बड़ा कर लिया है। अब आपको मैं चेक करके दिखाऊं जो आपके इन्फॉर्मेशन फंक्शन थे। जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा यहाँ पर इज नंबर और इज नंबर के अंदर आपने एक वैल्यू सप्लाई किया, मान लेते हैं 5। तो ये आपको ट्रू बताएगा क्योंकि 5 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे किसी सेल में मैंने यहाँ 5 लिखा और मैं इक्वल करके इज नंबर में रेफरेंस दे दूं इस सेल का, जैसे ये H2 में है तो चूंकि ये नंबर है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। पर अगर इसमें मैं कोई अल्फाबेट लिख दूं तो देखिए यहाँ पे फाल्स आने लगा। तो इज नंबर का काम होगा जांचना कि वैल्यू न्यूमेरिक है कि नहीं है। ऐसे ही एक फंक्शन आता है हमारा इज ब्लैंक करके। तो देखिए इज ब्लैंक में मैंने यहाँ पे H2 का रेफरेंस दिया है तो यहाँ पर फाल्स आएगा क्योंकि H2 पे W लिखा हुआ है। अगर मैं उस वैल्यू को बिगाड़ दूँ तो ये एम्प्टी हो गया हमारा H2, तो ये आपको बता रहा है ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि वैल्यू नंबर है कि नंबर नहीं है। तो इस ब्लैंक से पता करते हैं कि ब्लैंक है कि नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इज टेक्स्ट का। तो इज टेक्स्ट में ऐसे मैंने यहाँ राम लिख रखा है, मैं ये सप्लाई करता हूँ तो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है राम। तो ये जांचता है कि आपकी वैल्यू टेक्स्ट है कि नहीं। एक लॉजिकल चलो ले लेते हैं। तो इस लॉजिकल में जैसे मैंने E2 का रेफरेंस दिया है तो E2 का जो कंटेंट है वो ट्रू है और ट्रू चूंकि लॉजिकल वैल्यू होती है इसलिए जवाब आपको ट्रू आएगा। पर अगर हम यहाँ पे फाल्स लिख दूँ तो फाल्स लिखने पे भी ट्रू दिख रहा है यहाँ पे, पर अगर ए लिख दूँ तो देखें यहाँ पे फाल्स हो गया। मैं अगर 5 लिख दूँ तब भी फाल्स हो गया क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू नहीं है। तो ये आपके फंक्शंस थे जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थे।
मैंने उनके बारे में आपको नॉलेज दिया। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं जो डेट एंड टाइम वाले फंक्शन हैं उनमें कौन कौन से फंक्शन हमें मिल रहे हैं। तो इसमें एक फंक्शन मिलता है डेट और एक फंक्शन मिलता है टाइम। तो होता क्या है कि अगर आप एक्सेल के सेल में कोई डेट लिखना चाहते हो, उसे डेट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो और आप एक्सेल को सूचित करना चाहते हो कि ये डेट है, तो आपको डेट फंक्शन का सहारा लेना होता है। डेट लिखने के लिए हम लोग डे मंथ ईयर का सहारा लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आप पहले ईयर भी लिख सकते हो, मंथ भी लिख सकते हो, डे भी लिख सकते हो या डे मंथ ईयर लिख सकते हो, वो फॉर्मेटिंग आपके ऊपर होता है। तो कुल मिला के आपको इसे एक वैलिड डेट का फॉर्मेट लिख के देना होता है, तो उसको वो एज ए डेट ट्रीट करता है। चलिए देखते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ इक्वल लिखा, यहाँ मैंने डेट लिखा। देखिए डेट में पहले ये ईयर पूछ रहा है, तो ईयर मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे 2020 में दे देता हूँ 2020, और कामा करके यहाँ मैंने मंथ दे दिया, जैसे अक्टूबर चल रहा है, और डे है आज का 30, तो यहाँ 30 दे दिया। तो देखिए यहाँ मैंने तीन अलग अलग इंटीजर वैल्यू दी है, पहले को वो बाई डिफॉल्ट ईयर मानेगा, दूसरे को मंथ और लास्ट वाले को डे। तो देखिए ये डेट फॉर्मेट में हो गया और इसका जो डेटा टाइप है वो डेट हो जाएगा। थोड़ा मैं जूम बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो फंक्शन लिखा है उसमें डेट के साथ मैंने ईयर मंथ डे दिया और इंटर किया, तो वो डेट फॉर्मेट में दिख रहा है। और यहाँ भी जो इसका डेटा टाइप है वो जर्नल है, मगर डेट वाले सेल को मैं लूँगा तो यहाँ पर डेट दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट टाइप करा सकते हैं। ऐसे ही टाइम फंक्शन की बात आती है, तो टाइम में भी हमें वैल्यू देना होता है। ऐसे आवर दे दिया, जैसे इस समय हमारा जो बज रहा है वो 2:45 है, तो 2 दे दिया, मिनट 45 दे दिया, सेकंड 13 दे दिया। तो इंटर करने पे देखिए ये टाइम फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब ये AM दे रहा है, हालांकि गलत है, तो वो फॉर्मेट आप बदलोगे, आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसे अगर आप सेलेक्ट करो तो देखो यहाँ पे कस्टम लिख के आ रहा है। टाइम जो होता है वो कस्टम डेटा टाइप में आता है। आप यहाँ से चाहें तो फॉर्मेट बदलने की भी फैसिलिटी मिलेगी, उसे हम कस्टम में जाके मोर नंबर फॉर्मेट में जाके इसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर ये ले लिया तो ओके करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है टाइम फंक्शन। तो एक आपका था डेट फंक्शन और अगला जो फंक्शन आ रहा है वो हमारा टाइम फंक्शन हो गया। अब अगर आगे के फंक्शन की मैं पहले थोड़ी चर्चा कर लूँ, फिर उसके बाद में इन्हें मैं जांच के दिखाऊंगा। तो अगला फंक्शन जो आ रहा है वो है नाउ। नाउ फंक्शन का काम होता है कि जो करंट डेट एंड टाइम है वो आपको शो करेगा, इसका आर्गुमेंट इम्पटी होगा। अगला है टुडे। टुडे का काम होगा कि जो करंट आज का जो डेट है उसे रिटर्न करता है। नाउ जो है वो डेट एंड टाइम दोनों को रिटर्न करता है। तो एक फंक्शन हमें नाउ मिलता है और एक हमें टुडे मिल जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक्सेल में जांच लेते हैं कैसे यूज करेंगे। तो इक्वल लिख के मैंने यहाँ पे नाउ लिखा और इसका आर्गुमेंट इम्पटी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो करंट डेट और टाइम है वो यहाँ पे लिख के आ गया। और अगर मैं इसी को टुडे के साथ लिखता हूँ, ये भी आर्गुमेंट इम्पटी होगा, तो केवल डेट लिख के आएगा। तो इस तरीके से आप टुडे को यूज कर सकते हो और इस तरीके से आप नाउ को यूज कर सकते हो। तो ये आपका टुडे और नाउ हो जाता है। अब देखा जाए आगे क्या है। आगे का जो फंक्शन है वो है हमारा डे करके। तो डे फंक्शन का काम क्या है, द एक्सेल डे फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 to 31। माने जो डेट आप लिखोगे उस डेट का ये आपको डे दिखाने का काम करेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, डे फंक्शन को भी हम देख लेते हैं कैसे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, यहाँ मैंने डे लिखा। अब एक डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो देखिए 30 आया, चूंकि इसमें 10 मंथ था और 30 हमारा डे था, तो इस डेट का ये डे निकाल के आपको दिखाने का काम करता है। अगर इसी तरीके से देखा है तो मंथ भी है, इसी तरीके देखा है तो ईयर भी है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर मंथ लिखा
और मंथ में मैं इसी ही डेट का रेफरेंस देता हूं, तो चूंकि 10th मंथ है तो आपको यहां पे 10th दिखा देगा, और अगर ईयर को मैं निकालने का काम करूं तो 220 है ईयर, 2020 है तो वो आपको दिखाएगा। तो जो डे फंक्शन होता है ये आपको डेट का डे निकाल के दिखाता है, मंथ मंथ दिखाता है, ईयर हमारा ईयर दिखाने का काम करता है। तो ये आगे के फंक्शन थे जिन्हें मैंने आपको बताया। अब आगे जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो आगे जो फंक्शन आता है उसमें वीक नम आएगा और एक आएगा वीक डे। तो वीक नम का काम होगा कि जो डेट आप दोगे उस डेट पे ये जांचेगा कि कितने सप्ताह उसमें हो चुके हैं, माने 1 जनवरी से काउंट करेगा। चलिए इसे समझ लेते हैं, फिर इसको मैं सीधे एक्सेल में डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल और यहाँ लिखा वीक नम, और जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ फर्स्ट जनवरी 2020, तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट जनवरी है तो पहला ही सप्ताह होगा। अब ये संडे से जोड़ता है आपके डे को, तो संडे से लेके सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 डेज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी 8 जनवरी लिख दूँ तो ये बता देगा दूसरा सप्ताह है, और अगर मैं आज की तारीख लिख दूँ, जैसे अक्टूबर मंथ चल रहा है, आज की तारीख है 30, तो ये बताएगा 44, माने फर्स्ट जनवरी से अभी तक 44 सप्ताह कंप्लीट हो गए। वहीं अगर आप वीक डे की बात करेंगे तो वीक डे का काम ये होता है कि जो आप डेट इसको सप्लाई करोगे उसका ये वीक डे बता देगा। वीक डे का मतलब ये 6वां दिन है ये बताएगा, और ये संडे से काउंट करता है। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आज फ्राइडे है इसलिए 6 ये बता रहा है। तो वीक डे का काम होता है वीक में कौन सा दिन है इसको बताना, और वीक नम का काम होता है आपका जो नंबर सप्ताह व्यतीत हो चुके हैं 1 जनवरी से उनको ये बताने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ फंक्शन थे। अब आगे अगर देखा जाए तो एक फंक्शन हमारे पास आता है ई डेट। ई डेट का काम होता है कि आप जो इसे डेट देते हो और आप उसे बोलोगे कि इस डेट में 2 महीना आप ऐड कर दो, तो आज के तारीख से अगर 2 महीना ऐड करोगे तो अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर आएगा, तो वो आगे के 2 महीने को ऐड करके उस डेट को आपको बताने का काम करता है ई डेट। और वहीं पे जो डेज है इसका काम है कि इसे 2 डेट देंगे उसके बीच कितने दिन हुए हैं डेज हुए हैं उनको ये दिखाएगा। तो चलिए ई डेट को और डेज को हम लोग एक्सेल में ही जांच करके देख लेते हैं। तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ ई डेट को, तो देखिए मैंने यहाँ पर ई डेट लिखा, और जैसे यहाँ मैंने डेट एक लिख रखा है 30 अक्टूबर 2020, कामा करके मैंने 3 लिख दिया, तो इंटर करने पे उसका जो इंटीजर वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ से इसको जर्नल से कन्वर्ट कर दीजिए डेट में, तो देखिए यहाँ पे आ गया कि 30 जनवरी आ गया। 30 जनवरी इसलिए आया चूंकि यहाँ पे अक्टूबर 30 दिया था आपने, तो उसमें 3 महीना जोड़ोगे तो 30 जनवरी आएगा, तो इसलिए 30 जनवरी आपको ये बता रहा है। डेज की बात मैं कर लूँ तो चलिए डेज में हम आएंगे, पहले इंड डेट देंगे। इंड डेट, जैसे मेरा इंड डेट आज का मैं ले लेता हूँ, तो आज का जो इंड डेट है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो आज का जो इंड डेट है वो हमारा हो गया 30 अक्टूबर 2020, और फिर कामा करेंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ 26 नवंबर 1974, और यहाँ इन्वर्टेड कोड बंद करके मैं इंटर करूँगा, तो दोनों डेट के बीच का देखिए डेज बता रहा है 16,775 दिन मेरे हो गए पैदा होने के। तो ये हमारा काम होगा डेज फंक्शन का। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात किया आपके इंफॉर्मेशन फंक्शन के रिगार्डिंग, मैंने बात किया
आपको मैंने डेट एंड टाइम के जो पॉपुलर और कॉमन और यूजफुल फंक्शन थे उनकी बात की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।